हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो भाई, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आपको वीडियो के थंबनेल से आइडिया लग ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं आपकी अपॉइंटमेंट के टाइम पे शेंजन वीज़ा के लिए जब आप जाते हो। तो भाई, बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। वो प्रिंट आउट लेके जाने होते हैं, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाने होते हैं, और आपको और क्या क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाने होते हैं जो आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको प्रोसेस बता दूंगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या क्या वहाँ पे सबमिट होएगा, आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ते हैं वहाँ पे जो आपके VFS के टाइम पे होते हैं, आपके पासपोर्ट को कलेक्शन पे और डिलीवरी पे क्या क्या चार्जेस रहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरी कल ही अपॉइंटमेंट थी। तो मैं थर्ड टाइम शेंजन वीज़ा लेने वाला हूँ। तो भाई, ऑलरेडी मेरे पास 2 बार था और मैं 4-5 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ। तो अभी मेरा ये थर्ड टाइम है। तो मैंने थर्ड टाइम ग्रीस का अप्लाई करा था और मैं ग्रीस की एम्बेसी गया था। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या गलती नहीं करनी है, तो आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूँ। तो ओरिजिनल में दो ही डॉक्यूमेंट आपके जाते हैं, एक ओरिजिनल BRP, एक आपका पासपोर्ट। तो उससे अलग आपको एक फ़ोटोकॉपी चाहिए पड़ेगी आपकी, जो शेंजन वीज़ा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो वो आप बेटर है यहाँ से ही क्लिक करवाएं। आप अगर इंडिया से कोई भी पिक लेके आए हैं तो वहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग फोटोशॉप से आपकी फ़ोटो को एडिट करते हैं, और ये बोलते हैं एडिटिंग 0% होनी चाहिए आपकी जो फ़ोटो होती है। तो भाई, यही तीन चीज़ें आपको ओरिजिनल चाहिए। उससे बाद आती है आपकी फ़ोटोकॉपी, आपको किस किस चीज़ की लेके जानी है। तो फ़ोटोकॉपी में सबसे पहले आपका आ जाता है पासपोर्ट, उसके बाद आपका BRP, थर्ड आपका अपॉइंटमेंट लेटर, जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है आपको उसकी भी कॉपी लेके जानी पड़ती है। फोर्थ होता है आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है आपके पास। अपॉइंटमेंट के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है जब आप शेंजन वीज़ा के लिए जाते हैं। तो उसमें आपके पूरी डिटेल रहती है, आपके पासपोर्ट की, BRP की, आपका ट्रैवल प्लान क्या है, तो वो सब आपको शो करना पड़ता है उसमें। उसके बाद आ जाता है भाई आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लेके जानी होती है, और आपके बैंक में एटलीस्ट 1200 to 1000 pound होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आपका आ जाता है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आप booking.com से कर सकते हैं। तो आपको पे लेटर करके हो जाती है, उसमें आपके पैसे नहीं जाते हैं। उसके बाद आ जाता है भाई आपकी ट्रैवल टिकट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं आपको ये आप साइड में देख सकते हैं, ग्रीस की एम्बेसी ने लिख के लगा रखा है कि जो आपकी टिकट है वो फुली पेड होनी चाहिए। अगर आप कोई भी डम्मी टिकट यूज़ करते हैं तो आपको 101% रिजेक्शन आ जाएगा, और आजकल ऐसा हर कंट्री ने कर दिया। वो आपकी होटल बुकिंग और आपकी जो ट्रैवल टिकट है वो पक्का चेक करते हैं। तो मेक श्योर कीजिए आप उन दोनों को ओरिजिनल लेके जाएं, आप डम्मी के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि अगर आपने डम्मी टिकट या डम्मी होटल बुकिंग यूज़ करी तो आपको 101% रिजेक्शन भी आएगा, और आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। जो आप VFS पे करोगे, जो अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपने पे किया, वो सारा वेस्ट हो जाता है, और ऊपर से एक रिजेक्शन का और आपके ऊपर ठप्पा लग जाता है। तो आप ये गलती मत कीजिए। तो उसके बाद आपका आ जाता है भाई ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट है। तो वो भी आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप ट्रैवल इंश्योरेंस कर सकते हो। तो उसके बाद आपका आ जाता है 3 मंथ की पे स्लिप, अगर आप फुल टाइम वर्किंग हो, और उसके साथ साथ आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर भी चाहिए जो शो करेगा कि आप यहाँ पे एम्प्लॉयड हो, और आपका एम्प्लॉयर कौन है, उसका एड्रेस वगैरह, उस पर नंबर वगैरह सब मेंशन होता है। तो अगर आप फुल टाइम नहीं हो, अगर आप एज ए स्टूडेंट आए हो और आप स्टूडेंट टाइम पे ही शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उस टाइम पे रिक्वायर्ड होता है आपका स्टूडेंट स्टेटस लेटर, और वो मस्ट होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पे स्लिप दे सकते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, बट आपको डेफिनेटली आपका स्टूडेंट स्टेटस लेटर देना पड़ेगा, क्योंकि वो देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है और आप कहाँ पढ़ रहे हो और आपका ब्रेक टाइम क्या है, वो सब कुछ उसमें मेंशन होता है आपके स्टूडेंट स्टेटस लेटर में। तो वो मस्ट होता है आपके लिए। तो भाई, ये थे डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड रहते हैं शेंजन वीज़ा की अपॉइंटमेंट के टाइम पे। वहाँ पे आपको हर चीज़ सबमिट करके आनी होती है।
तो आगे बात कर लेते हैं हम, चार्जेस क्या रहते हैं। अगर आप पासपोर्ट की कलेक्शन करते हैं तो कलेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको 1 या 2 वीक बाद आप मैसेज आ जाता है कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए। मैक्सिमम 15 डेज़ का टाइम होता है, बट आपको 1 वीक में रिप्लाई आराम से आ जाता है। तो आप 1 वीक बाद जब आपका मैसेज आए तो आपको जो वो पेज देते हैं जब आप सबमिट करते हो कि आपका ये डिटेल इसमें है, आप यहाँ पर आके इसको कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो फॉर्म आप लेके जा सकते हैं और अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने डिलीवरी करवाई है तो भाई डिलीवरी मिनिमम आई थिंक VFS की 24 पाउंड के अराउंड है, तो TLS की भी इतना ही रहता है, 26-27 पाउंड। तो डिलीवरी मेरे ख्याल से महंगी पड़ती है। अगर आपको हॉलीडे होता है मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि उनकी टाइमिंग होती है मंडे टू फ्राइडे वो देते हैं, कहीं जैसे TLS है, TLS में तो आप मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 कभी भी जाके कलेक्ट कर सकते हैं। बट जो VFS है, जैसे मैंने कल वहाँ पर सबमिट करा तो उन्होंने मुझे कलेक्शन का टाइम दिया 4 to 5 इवनिंग में आ सकते हैं आप मंडे टू फ्राइडे कभी भी कलेक्ट करने। तो आपका कलेक्शन फ्री रहता है और डिलीवरी चार्जेबल होती है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ चार्जेस कितने लिए। तो भाई हम 2 फ्रेंड थे तो हमारे 207 पाउंड टोटल लगे हैं, तो 103 ईच। उसमें मेरी अपॉइंटमेंट के चार्जेस मैंने पहले पे नहीं करे थे, वो भी मैंने वहीं पे जाके पे करे। आपकी VFS वगैरह सब फीसेज मिला के मैंने 103 पाउंड पे करे। तो भाई उससे अलग मैंने अपनी एयर टिकट और होटल बुकिंग आपको मैंने बताई दिया कैसे करी थी। तो एयर टिकट मैंने फुली पेड करी है, बट मैंने 100% रिफंड वाली करी है वो, ताकि मेरा जब वीज़ा आए तो अगर मुझे उस कंट्री में ना जाना हो तो मैं उसको कैंसिल कर पाऊँ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं, ये चार्जेस रहते हैं जैसा मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है। उससे अलग भी अगर आपका कोई डाउट है शेंजन वीज़ा से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।